इजराइल और इंडिया के कनेक्शंस के बारे में या ज्यादा ऐसा कुछ भी हमारे एनसीईआरटी कहीं पर भी नहीं मिला है नया टॉपिक जो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द कंट्री ऑफ इजराइल। इजराइल इज द शॉर्टेस्ट कंट्री एंड द टोटल ज्योग्राफिकल जो उसकी लोकेशन है 22,145 किलोमीटर। साउथ एशिया में पाया जाता है। टोटल पॉपुलेशन ब्लो देन 85 लाख, यानी हरियाणा से भी छोटा है। इजराइल जो है वो हरियाणा से भी छोटा है, आप ये चीजें माने। हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ के आस पास जाए, लेकिन इजराइल लेकिन लेस देन पॉपुलेशन बट एक्सीलेंट इन द सिक्योरिटी। आज इजराइल की जो सैनिक क्षमता, जो पावर्स उसकी मानी जाती है, वो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्री में मानी जाती है। यानी इजराइल वो व्यक्ति है जो रेत के अंदर भी खेती करता है और समुन्द्र के खारे पानी को पीने लायक बनाता है। यानी टेक्नोलॉजी के अंदर आज अगर बात करें तो टॉप 5 कंट्री में इजराइल आता है। छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर विश्व का सबसे अग्रणी कंट्री माना जाता है इजराइल। इजराइल इज द ऑल्सो, अभी अगर 11th की तुम बात करो, 11th में थोड़ा जाता है। क्रूसेड सुना है? क्रूसेड 11th हिस्ट्री, हाँ। उसमें जो यस धर्म सर युद्ध लड़े जाते थे यहूदी और फिलिस्तीन के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन, तो ये वहीं का है, क्रूसेड में ही बना है। इजराइल वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर यहूदी पाए जाते हैं। एक तरह से ही क्रिश्चियंस के अलावा एक कम्युनिटी पाई जाती, यहूदी पाए जाते हैं। इजराइल ये देखो फिलिस्तीन से अलग होकर बना था। ये चीजें क्रूसेड्स के टाइम, उस टाइम जब होता है धर्म युद्ध लड़े गए थे, तो फिलिस्तीन जहां पर मोमडर रहते थे, गाजा उसकी राजधानी है, दोनों देशों के बीच में आज भी लड़ाइयां चलती है, चलती थी, इजराइल और फिलिस्तीन की। छोटा सा देश जो यहूदी बना, भारत में लगभग 6,200 यहूदी लग रहते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है हिब्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द इंट्रोडक्शन ऑफ द इजराइल, स्टार्टिंग ऑफ द इजराइल इज अ स्मॉल कंट्री, टोटल ज्योग्राफिकल लोकेशन 22,145 किलोमीटर, पॉपुलेशन इज लेस देन 85 किलोमीटर, एंड कैपिटल ऑफ द, इट इज द लैंग्वेज ऑफ द इजराइल वाज द हिब्रू, स्मॉल कंट्री एंड अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडो इजराइल। अब इसकी इजराइल को क्यों इंक्लूड किया गया है कि आने वाले में कभी भारत और रूस के बारे में अच्छी बातें कही जाती थी, लेकिन आज आप देखेंगे उनके जो प्रधानमंत्री बेंजामिन येतन्याहू, गूगल पे करना, सर्च करना बेंजामिन येतन्याहू, वो काफी बार भारत में आते हैं। अपने जो नरेंद्र मोदी जी है उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। यानी कभी रसिया के साथ जो अपने रिलेशनशिप होते थे ना, वो आज इजराइल के साथ, और इजराइल काफी कंडीशन में हमारी मदद करता है। अभी इजराइल इतना हाई लेवल पे क्यों गया? देखो 85 तो टोटल लोग, और जिसमें 35 लोग आर्मी में। वाह, इजराइल की सेनाओं में महिलाओं को भी जाना मैंडेटरी है, स्कूली विद्यार्थियों को भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल में भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, ये अलग है। इनमें लड़कों को कम से कम 3 साल और लड़कियों को 2 साल के लिए आर्मी में काम करना मैंडेटरी है। इफ यू ऑल आर बिलोंगिंग्स टू द इजराइल, तो आपको अपनी जिंदगी के 3 साल आर्मी में जाने ही जाने पड़ेंगे। इफ यू आर गर्ल्स देन डेफिनेटली यू विल बी सर्व द कंट्री 2 इयर्स। लड़की है तो भी 2 साल देश की सेवा करनी पड़ेगी, इट इज मैंडेटरी। यही रीजन है इजराइल का ग्रोथ होने का सबसे बड़ा, कि लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिक फीलिंग होती है, वो देशभक्ति की भावना, मेरा देश मेरा जान, वंदे मातरम वाली जो सारी स्टोरी है, बचपन से ही उनके माइंड में डाल दी जाती है और उनको ये बंदूक गोली चलाना सिखा दिया जाता है। और यही रीजन है कि आज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव जो कंट्री माना जाता है वो इजराइल माना जाता है, और सबसे ज्यादा जो एक्सलेंट वेपन बनाता है वो इजराइल बनाता है, और 21st सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे एक्सलेंट कंडीशन जो मानी जाती है वो इस इजराइल की मानी जाती है। और नरेंद्र मोदी के टाइम में इसके और हमारे रिलेशनशिप बड़े अच्छे आते हैं, बड़े अच्छे बन गए इजराइल के और हमारे। अगर बायलेटरल्स बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इजराइल, टू कंट्री हैव द एक्सटेंसिव इकोनॉमिक्स, आज हम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आधार पर बड़े अच्छे रिश्ते हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इंडिया
इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इजराइल मिलिट्री इक्विपमेंट। आज भारत इजराइल से सबसे ज्यादा जो वेपन खरीदता है वो भारत खरीदता है आफ्टर रसिया। रसिया से हम दूसरे नंबर पे खरीदते हैं, सबसे ज्यादा हम इजराइल से खरीदते हैं। 1999 और 2009 से मिलिट्री बिजनेस बिटवीन द टू नेशन वर का $9 बिलियन का रजिस्टर है और बहुत सी ऐसी चीजें जो उन्होंने हमें दी है। 2014 बायलेटरल ट्रेड एक्सट्रीम मिलिट्री 549 से लेकर 54 चला गया एंड रिलेशनशिप एंड एक्सपेंडिंग। नरेंद्र मोदी का जो टाइम आता है, काल आता है, उस टाइम नरेंद्र मोदी के टाइम में भारत के और इजराइल के रिश्ते बड़े अच्छे सुधरते हैं। ये देश एक दूसरे को बड़ी बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में करते हैं, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर रेत ही रेत है लेकिन फिर भी वो खेती करते हैं। इजराइल के आसपास समुद्र में खारा पानी पाया जाता है लेकिन उसको प्योरीफाई करके वो पीने लायक बना लेते हैं। तो उसके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हम चाहते हैं कि भैया हमें भी उधार दे दे। अगर हमें भी उसकी जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम भी हमेशा चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो तुम्हें याद रखना है कि भारत और इजराइल की जो संबंध जो बदले वो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ही ज्यादा चेंज होते हैं। इतने ज्यादा चेंज नहीं होते पहली सरकारों के बीच में, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आती है उस समय में या उन सरकारों के बीच में या उनके बीच में जो रिश्ते होते हैं वो ज्यादा बदलते हैं, अदरवाइज किसी और दूसरी सरकार में इतने ज्यादा रिश्ते नहीं बदलते। तो इसका क्रेडिट भी दिया जा सकता है नरेंद्र मोदी को ही दिया जा सकता है। ऑफिशियल विजिट होती है और ये कुछ एग्रीमेंट होते हैं दोनों देशों के बीच में। ये मैं जो बात कर रहा था ना, तो एक बार बताया था नेतन्याहू 2018 में भारत आते हैं। नेतन्याहू पहली बार कोई इजराइल का राष्ट्रपति आता है और हमारे यहाँ पर बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी देके जाता है और हमारे लोग भी जाते हैं, इनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इजराइल के बीच में। टाइमिंग कम बचा है। वाटर कंजर्वेशन, पानी कैसे बचाएंगे, स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म। देखो पानी के लिए इंडिया इजराइल को 3 ईयर्स वर्क प्रोग्राम, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, ऑप्टिकल लिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोस्पेशन ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट्स। अब एक सैटेलाइट डिपार्टमेंट में और एग्रीकल्चर और वाटर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन लोगों ने हमारी बड़ी मदद की है। तो कहीं ना कहीं इजराइल इज द कंट्री ट्राइड टू